हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल द क्रिएटिव नर्सिंग एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑन्कोलॉजी से वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो कॉशन भी है, कॉशन भी कहते हैं इसको बहुत सारे लोग। तो कॉशन यानी कि इसका ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन के क्या क्या है देखते हैं एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट है चेंज इन बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स। अगर बॉवेल एंड ब्लैडर हैबिट्स के अंदर चेंजेस होता है कैसे होगा, यानी कि ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, यूरिन आ नहीं रहा है, या हिमेचूरिया हो रहा है, ब्लड अगर आ रहा है तो उसको हिमेचूरिया हम कहते हैं, ठीक है, या एन्यूरिया हो रहा है, यूरिन एब्सेंट है, तो वो इट मे इंडिकेट द कैंसर ऑफ रिलेटेड टू प्रोस्टेट, रिलेटेड टू टेस्टिकुलर कैंसर एंड सो ऑन। अगर बॉवेल हैबिट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि हो सकता है पेशेंट को दो चीज़ें होती है, एक तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और वहीं पे दूसरी तरफ डायरिया हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है यानी कि कोई चीज़ पच नहीं रही हो इस तरह से। तो ये सब चीज़ें किसका इंडिकेट करेगी? कोलोरेक्टल कैंसर का, ठीक है। कोलोन का कैंसर हो सकता है यानी कि इंटेस्टाइन का कैंसर, या रेक्टम का कैंसर हो सकता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट सी। फिर ए, ए का मतलब यहाँ पर है अ सोर दैट डज नॉट हील, यानी कि आपको कोई ऐसा सोर हो गया है, आपको कोई ऐसा घाव हो गया है जो कि हील नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से हील नहीं हो रहा है। जैसे कि हो सकता है आपके जो मुंह के अंदर सोर हो जाए, छाला हो जाए, ठीक है, और वो काफ़ी टाइम से हील नहीं हो। इसोफेगस के अंदर कोई सोर हो जाए, काफ़ी टाइम से हील नहीं हो। आपके स्टमक के अंदर सोर हो जाए, काफ़ी टाइम से हील नहीं हो। आपके इंटेस्टाइन के अंदर सोर हो जाए, काफ़ी टाइम से हील नहीं हो। तो वो सोर बहुत दिनों से हील नहीं होकर धीरे 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 कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, या उसको कैंसर कह सकते हैं। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। मैं एक बार कैंसर की थोड़ी सी आपको डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की अनकंट्रोल्ड, बिना उसकी कोई कंट्रोल की ग्रोथ होना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यानी दो से चार होती है कोशिका, फिर दो मर जाती है, फिर दो बच जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? दो से चार, चार से आठ, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से चौंसठ, चौंसठ से इस तरह से बढ़ती 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 जो है यहाँ पर एक ट्यूमर भी फॉर्म हो सकता है, और इस तरह से कुछ हमको देखने को मिल सकता है कैंसर के अंदर। तो हम कहेंगे कि कैंसर है, अलग अलग स्टेजिंग भी होती है, उसके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। उसके बाद यू है, यू से है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, यानी कि कहीं से भी अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, ठीक है, हो सकता है यूरेथ्रा के थ्रू हो सकता है, आपको जो कफ होता है कफ के अंदर ब्लीडिंग आए, तो वो लंग कैंसर का इंडिकेट हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है किसी के ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वो भी हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर का एक इंडिकेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये भी अपन कह सकते हैं। फिर टी फॉर थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट और एल्सवेयर, यहाँ पे लंप होना या थिकनिंग होना या तो ब्रेस्ट में या कहीं पे और, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, वर्ल्ड वाइड पूछे या इंडिया में पूछे, मोस्ट कॉमन फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है। सेकंड, थर्ड, फिर इस तरह से सर्वाइकल कैंसर और ये चीज़ आती है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर वन कैंसर एंड आउटर अपर क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि अगर आपका ब्रेस्ट है तो, यानी कि ये दोनों ब्रेस्ट है तो आउटर अपर क्वाड्रेंट, इनको चार भाग में विभाजित करेंगे तो बाहर वाला क्वाड्रेंट और ऊपर वाला क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा और यहाँ पर दिस क्वाड्रेंट, ओके। दिस इज द कॉमन साइट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद कहीं पे भी अगर लंप दिखे आपको, कहीं पे भी गीठान दिखे, कांट दिखे, तो वो हो सकता है वो कैंसर को इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है आई फॉर इनडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि अगर आपको इनडाइजेशन हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, या फिर स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, यानी कि आप जो है, जैसे कि ये हमारी, ये हमारा क्या हो गया, इंसान हो गया, ऐसा थोड़ा गंदा सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये उसकी ये हो गई, इसोफेगस हो गई, तो इसोफेगस के अंदर स्वेलो कर रहा है और यहाँ पर अंदर अगर कैंसर होगा या फिर कुछ लीजन्स होंगे, तो खाना उसको निकलने में क्या होगा, परेशानी होगी, मज़ा तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली परेशानी होगी। तो या तो उसका खाना पच नहीं रहा है, तो वो इंडिकेट कर सकता है कोलोरेक्टल कैंसर को, या फिर कोलोन का कैंसर को, या फिर आंत का कैंसर हम कह सकते हैं हिंदी में अगर बात करें तो। आंत का कैंसर कब होगा? जब पेशेंट को इंडाइजेशन हो
और डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग अगर हो तो हो सकता है फेरिंग्स का कैंसर हो सकता है लेरिंग्स का हो सकता है इसोफेगस का हो सकता है, इस तरह से जो है हम देखने को मिल सकता है। फिर ऑब्वियस चेंज इन मोल और वाट, ठीक है क्वेश्चन में वो आ गया है, ओ फॉर ऑब्वियस चेंज इन मोल और वाट, यानी मोल और वाट यानी कि मोल हो रहा है अगर, ठीक है अगर किसी को बाय बर्थ कोई मोल है और उसके अंदर एकदम से कोई चेंज आ रहा है, ठीक है ऑब्वियस चेंज मतलब एकदम से कोई चेंज आना, एबनॉर्मल चेंज आना, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द साइन ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर इज ऑल्सो कॉमन दिस डेज, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ SPF 15 से ज़्यादा का जो हमको सनस्क्रीन लोशन यूज़ करना चाहिए, तो जिससे स्किन कैंसर होने के चांसेस कम रहते हैं। यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे स्किन के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगिंग कफ और हॉर्सनेस, यानी कि ऐसी कफ होना जो कि बंद नहीं हो रही है, लगातार कफनेस कफ होना, तो वो भी एक साइन है कैंसर का, वो लंग कैंसर का साइन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देट आर द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, यू हैव ऑल टू बी अवेयर फॉर देम, ओके। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम उसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और एक और होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, मेल के अंदर टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब पेशेंट खुद करेगा, ओके एनीवन कैन डू दिस। और उसके बाद इस तरह से था ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, छोटा ही टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर गेटिंग न्यू अपडेट, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ओके थैंक यू सो मच।